जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मित्र। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। अगर आप लोग इंडिया में Redmi 9 पावर डिवाइस को यूज़ करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है इंडिया में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस डिवाइस के लिए MIUI 13 की अपडेट न्यूज आएगी तो आपको चैनल के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कल 15 अगस्त के दिन रात को शायद 9:30 बजे के आसपास जो है इसके लिए एक अपडेट रिलीज होता है, जिसका वर्जन होता है 12.5.10.0 RJQUINXM। ये पूरा वर्जन देखने को मिलता है और इसके अंदर सिर्फ 12.5 का अपडेट है, ना कि MIUI 13 का। और इसके लिए जो है अभी MIUI 13 अंडर टेस्टिंग में है और अभी तक ग्लोबल में भी नहीं रिलीज हुआ है MIUI 13, तो इंडिया में कहाँ से इतनी जल्दी दे देंगे। अभी तो जो है इसके लिए टेस्टिंग करी जा रही है। सबसे पहले तो ग्लोबली जाएगा MIUI 13, उसके बाद कुछ और कंट्रीज में जाने के बाद इंडिया में देखने को मिल ही जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जितने भी Redmi 9 पावर यूजर है ना, उन सभी के लिए इंडिया में जो लेटेस्ट अपडेट रिलीज हुआ है उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा सिक्योरिटी पैच दिया गया। अपडेट साइज की बात करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर जो अपडेट का जो साइज है वो 325 MB का आपको देखने को मिल जाता है। जी दोस्तों, 325 MB का अपडेट साइज है और कुछ यहाँ पर नहीं। और इसके अंदर जो है ना आपको सिक्योरिटी पैच जो अपडेट है वो अगस्त 2022 का दिया गया है। तो यहाँ पर जो है अगस्त 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में सिक्योरिटी पैच अपडेट दे दिया गया है। हालांकि 15 दिन पहले ही जो है इसके लिए यहाँ पर ग्लोबल में अपडेट रिलीज होता है और 15 दिन बाद ही जो है यहाँ पर इंडिया में भी रिलीज कर दिया गया। अभी सिर्फ जो है मी पायलट टेस्ट यूजर्स को दिया गया है, अभी पब्लिकली रोल आउट नहीं हुआ है। इसको पब्लिक रोल आउट होने में कम से कम यहाँ पर 1 वीक का टाइम लग जाएगा। और वैसे ये कोई MIUI 13 का अपडेट नहीं है जो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये यहाँ पर एक नॉर्मल सिक्योरिटी पैच का अपडेट है। तो आपको 1 वीक में जो है अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट है इसमें कोई बड़े ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए, बस 325 MB का अपडेट साइज है और 12.5.10.0 वर्जन देखने को मिलेगा और अगस्त 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। और जो यहाँ पर MIUI 13 कब तक आ सकता है, तो उसमें अभी थोड़ा टाइम लग, MIUI 13 मिलने में अभी जो है कम से कम यहाँ पर 2 महीने मान के चलिए कि 2 महीने अभी पड़े हैं MIUI 13 अपडेट मिलने में। उससे पहले तो बहुत मुश्किल है कि आपको MIUI 13 यहाँ पर दे दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम भी एंड्रॉइड 11 वगैरह लेट ही दिए गए थे। बट ऐसा नहीं है कि इस पर एंड्रॉइड 12 आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इसी ईयर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर Q4 के अंदर जो है आपको अपडेट देखने को मिलेगा। यानी कि अक्टूबर का जो महीना है ना, उसी के अंदर आपको जो है MIUI 13 आ सकता है इंडिया के अंदर, उससे पहले तो ग्लोबली यहाँ पर जाएगा। तो जो मी पहले टेस्टर यूजर है जिनके डिवाइस में 12.5.10.0 का अपडेट आ चुका है, नीचे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म जरूर करिएगा। नहीं आया तो चेक करते रहिएगा, आपको अपडेट कभी भी शो हो सकता है। बाकी जैसे दोबारा रिलीज होगा, पब्लिकली रोल आउट होगा, तो आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो बस इसमें कोई ज़्यादा फीचर नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता सकूँ। अभी सिर्फ ये है कि अगस्त 2022 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, 325 MB का अपडेट साइज है, 12.5.10.0 वाला अपडेट है। अपडेट आया तो कर लीजिएगा, नहीं आया तो वेट कर लीजिएगा। तो बस हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी जैसे अपडेट्स वगैरह आती है इंस्टेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया जाता है और वहाँ पर लिंक्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बस जाते ही कहना चाहूँगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।